सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की पीसी में। एक संरक्षण प्रदान कर रहा है। कहने को तो जब ये सत्ता में आए थे तो आदिवासी समाज जल जंगल जमीन की बात करते थे। राज्य सरकार को पता होना चाहिए कि आदिवासी समाज का अस्तित्व उनके धर्म संस्कृति के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब से ये राज्य सरकार बनी है, हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार आदिवासी समाज अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जूझ रहा है। लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं। राज्य में धर्मांतरण निषेध कानून के होते हुए भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को, विशेष करके संथाल परगना के साहेबगंज पाकुड़ गोड्डा जिलों में आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रख करके उनके नाम पे जमीन खरीदवाना, उनको मुखिया का और पंचायत का चुनाव लड़वाना और बाद में काम निकल जाने के बाद उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर देना, ये लगातार घटनाएं बढ़ रही है। और शायद ही किसी केस में कोई कार्रवाई हो रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमा वर्तमान सरकार लांग रही है। उसी कड़ी में गो तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क राज्य में खड़ा किया गया है। गो तस्करी चरम पर है। पश्चिम बंगाल से सीमा सटी होने के कारण पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को जो गो तस्करी होती है उसमें एक संगठित गिरोह के रूप में एक नेटवर्क डेवलप हुआ है और उसमें सत्ता में बैठे लोग, शासक वर्ग के लोग शामिल भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। पिछले दिनों रांची में ही शोभना संध्या टोपनो की जिस प्रकार से गो तस्करों ने हत्या की और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो यही दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों को गो तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। जो इसका विरोध करते हैं उनको प्रताड़ित करना, उन पर झूठे मुकदमे लादना, उन पर दबाव बनाना, केस वापस करनी आए दिन की घटना हो गई है। और बढ़ते बढ़ते अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पिछले दिनों मोहनपुर में सांसद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने देखा कि कुछ गो तस्कर मवेशियों को लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। उनके साथ उनके अंगरक्षक थे, स्कॉट में मोहनपुर थाना की पुलिस थी। उन लोगों ने दौड़ा करके उन गो तस्करों को पकड़ लिया, जिसमें अफरोज एवं मुस्ताक नाम के दो प्रमुख रूप से उस गिरोह के सरगना पकड़े गए और सांसद ने खुद उनको थाना को सौंपा, थाने से उनको भगा दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उल्टे सांसद पे ही केस कर दिया गया। तो यह घटना दर्शा रही है कि गो तस्करों के हाथ कितने लंबे हैं, इस सरकार में उनकी पहुंच कितनी है, इस सरकार में बैठे लोग किस प्रकार से उनको संरक्षण दे रहे हैं और उनकी अकूत कमाई में से हिस्सा ले रहे हैं। हम सबको जानकारी है कि पुड़ैया हाट, सरैया हाट, दुमका, पाकुड़ के कई गो तस्करी के मामले जो पूर्व में दर्ज हुए थे उस पर ईडी की निगाह है, ईडी उस पर जांच पड़ताल कर रही है। जिस प्रकार से संथाल परगना में पत्थर की तस्करी पर ईडी ने कार्रवाई की, पत्थर के तस्करों पर कार्रवाई की, तस्करी की पूरी जांच पड़ताल की पत्थर के तस्करी के, और कई चौंकाने वाले मामले सामने आए, हजारों हजारों करोड़ के अवैध तस्करी का मामला सामने आया, कुछ उसी प्रकार का मामला गो तस्करों का भी इस राज्य में है। और ईडी की नजर है, पुड़ैया हाट, सरैया हाट, पाकुड़ और दुमका के मामलों को ईडी देख रही है और ईडी को इस मोहनपुर वाले केस को भी अपने हाथ में लेकर के इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किसके आदेश से
सांसद ने जब दो गो तस्करों को पकड़ करके मोहनपुर थाने को सुपुर्द किया तो इन पर कार्रवाई करने की जगह एफआईआर दर्ज करने की जगह उनको थाने से भगा दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को जो कहीं उस सीन में नहीं था उसको खड़ा करके एक गलत केस सांसद के ऊपर किया गया। तो ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। नहीं, ईडी ऑलरेडी इस पर जांच कर रही है और प्रेस के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस दिन 28 तारीख को यह विषय उठाया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी उस समय हम देखेंगे। अभी तो एकदम तुरंत की घटना है, हम लोगों ने यह विषय उठाया है, हमारे स्थानीय जिला के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सीनियर एसपी के भी ध्यान में विषय दिया है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के थाना और पुलिस कार्रवाई तब करती है जब वो स्वतंत्र होती है। मुद्दा यहां भारतीय जनता पार्टी का यह है कि ये सरकार के संरक्षण में चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से यहां पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है या जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग आपस में साठगांठ है उनकी, तो कार्रवाई की बहुत अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। जी नहीं, देखिए गोवंश की रक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं समस्त भारतीय समाज हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा विषय है। जिस तरीके से अवैध गो तस्करी और गोवंश को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके विरुद्ध हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। सर, उस एटी युवक का क्या नाम है? उसका नाम है रिनोय पहाड़िया। रिनोय पहाड़िया ग्राम रामचंद्रपुर पाकुड़। रिनोय लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।